दोस्तों फाइनल मुकाबले में आउट नहीं थे रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड से छूट गया था कैच। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पिछले दो दिनों से ऐसे वीडियोस की भरमार लगी है जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप किया था। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। बता दें कि दोस्तों वर्ल्ड कप का 2023 का फाइनल मुकाबला खत्म हो चुका है। अब क्रिकेट फैंस मानने को तैयार नहीं है कि टीम इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप ट्रॉफी निकल चुकी है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी कई ऐसा दावा किया जा रहा है जिसमें टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में चीटिंग के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस का एक तबका इस तरह के दावे को सही मानकर खूब शेयर भी कर रहा है। इसी तरह का एक दावा रोहित शर्मा के विकेट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब पर, कुछ अकाउंट से ऐसी खबरें डाली गई है जिनमें वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा आउट नहीं। इन खबरों में ये कहा गया है कि ट्रेविस हेड से ये कैच छूट गया था, लेकिन दोस्तों फोर्थ अंपायर को भी ये चीज नहीं दिखी। खासकर ऐसे यूट्यूबरों को ये चीज कैसे दिख गई? दरअसल दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, ट्रेविस हेड ने सही कैच पकड़ा था और उनके हाथ में पूरी तरीके से गेंद आई थी, गेंद छूटी भी नहीं थी। अन्यथा दोस्तों इतने कैमरे लगे होते हैं, कोई ना कोई कैमरा जरूर पकड़ता और फोर्थ अंपायर तक ये मामला जरूर जाता जिसके बाद निर्णय सही लिया जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा जब हुआ ही नहीं था तो फोर्थ अंपायर तक कोई मामला गया नहीं और रोहित शर्मा आउट होके पवेलियन गए थे। दोस्तों रोहित शर्मा सच में आउट हुए थे। ये सब खबरें जो भी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सभी खबरें झूठ है। इन खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए,